आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और मैं पास्टर जी के जैसा बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ, लेकिन एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ प्रभु की स्तुति के लिए। सुबह हो या शाम जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बोलता है कि मार्ग मैं हूँ, खुद यीशु मसीह हमें बोलता है कि मार्ग मैं हूँ। और प्रभु जो ये बात बोलता है कि मार्ग मैं हूँ, वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। मार्ग, हम मार्ग से क्या समझते हैं? रास्ता। और ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन रास्तों को हम जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन रास्तों को हम नहीं जानते। कुछ रास्ते हमारे लिए बहुत ही अनजान होते हैं, और कुछ रास्ते जिन रास्तों को हम बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं। जैसा कि अगर हम रोज किसी जगह में जाते हैं तो हम वहाँ से आने जाने का जो रास्ता है हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किस तरह वहाँ जाना है और किस कैसे वहाँ से आना है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जब हमें कोई नया एड्रेस मिलता है तो हमें नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ को जाता है, कैसे जाता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुँचना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह आज भी हमारे जीवन में
प्रभु का वचन बोलता है कि मार्ग मैं हूँ। प्रभु का रास्ता एकदम सीधा है और हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ उन लोगों के लिए बोलता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हम जानते हैं इस बात को कि प्रभु हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए वो सत्य है और वो हमारा जीवन है और वही हमारा मार्ग है। लेकिन जिस तरह मैंने बोला कि कुछ रास्ते हम जानते हैं लेकिन कुछ रास्तों से हम अनजान हैं, हम नहीं जानते। तो आज जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के मार्ग से अभी भी अनजान हैं। हालेलुया। तो ये हमारा काम है कि हमें बताना कि कोई है जो बोलता है कि मार्ग मैं हूँ और हमें उन्हें उस जगत के अंधकार से निकाल कर प्रभु की ज्योति में लाना है और हमें सच्चा मार्ग, सही मार्ग हमें उन्हें दिखाना है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यहाँ बोलता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी इस संसार में कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, चाहे कहीं भी जाए, चाहे हम कितने भी मार्गों में भटके, चाहे किस भी रास्ते में हम जाएं, लेकिन हमें घूमकर यही आना है प्रभु के मार्ग में। तो जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारे मार्ग घूमा, बहुत सारे जगहों को घूमा, लेकिन आज हम जानते हैं कि सच्चा मार्ग क्या है, सच्ची ज्योति क्या है और हमें किस तरह प्रभु के मार्ग में चलना है। हालेलुया। तो उसी तरह हमें उन लोगों को भी बताना है कि प्रभु यीशु हमसे कहता है कि मार्ग मैं हूँ और वो बताता है कि बिना उसके द्वारा कोई भी इस संसार में पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि पिता और प्रभु यीशु मसीह एक है और अगर हमें पिता तक पहुंचना है तो हमें पहले प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा, पहचानना होगा। उसके द्वारा ही हम उस पिता के पास पहुंच सकते हैं। हम और भी आगे देखेंगे यूहन्ना 8:12। प्रभु का वचन हमें फिर से बोलता है कि यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। तो बहुत ही जरूरी है कि जब हम प्रभु की ज्योति में चल रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो आज अंधकार में चल रहे हैं उन्हें भी हमें बताना है कि वो भी प्रभु की ज्योति में चले। और ये अभी जो हमारे पास समय है वो बहुत ही बहुमूल्य समय है। यही समय है जब हम लोगों को बता सकते हैं कि प्रभु हमारी सच्ची ज्योति है, हमें अंधकार के रास्ते में नहीं बल्कि हमें ज्योति के रास्ते में चलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अंधकार के रास्ते में चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। क्योंकि जब हमारे घर में, जैसे हम जानते हैं कि अचानक से अगर लाइट चला जाता है और अंधकार हो जाता है तो हम जहाँ हैं हम वहीं रह जाते हैं, वहीं बैठे रह जाते हैं या वहीं खड़े रह जाते हैं या बहुत कोशिश करते हैं कि हम एक कैंडल को जला पाए। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और वो ज्योति हमारे पास है। हालेलुया। तो उस ज्योति को हमें हमारे पास नहीं रखना है, हमें उस ज्योति को क्या करना है, फैलाना है। जब कहीं अंधकार होता है और हमारे हाथ में लाइट होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर किसी को लाइट का जरूरत है तो हम क्या करते हैं, हम उसे रोशनी का थोड़ा सा प्रकाश देकर हम उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ी सी रोशनी किसी को दें तो क्या हो सकता है, शायद उसका गेट खुल जाए, शायद उसके घर में भी कैंडल जल जाए,
बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने घर को खोलते हैं और घर के सामने अंधकार है, तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन के टॉर्च को जलाते हैं या हम अपने पास वाले की मदद मांगते हैं। तो उसी तरह हमें भी अपने पास वाले की मदद करना है। अगर हमारे जीवन में ज्योति है, अगर हम जानते हैं, पहचानते हैं उस सच्ची ज्योति को, तो हमें भी उन लोगों को बताना है जिनके जीवन में वो सच्ची ज्योति नहीं है, जिनके जीवन का मार्ग उन्हें नहीं पता कि उन्हें कौन से मार्ग में जाना है। और हमें उन्हें बताना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हम और भी आगे देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 9:24, प्रभु का वचन हमें बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें वैसे ही दौड़ना है कि हम जीते। हमें अपने मन में धुतका लेके नहीं दौड़ना है कि क्या हम जीतेंगे कि हम हार जाएंगे, कि क्या हम जीतेंगे कि हम हार जाएंगे। अगर हमारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है तो हम कभी भी हार नहीं सकते। अगर हम, हमारे पास सच्ची ज्योति है, अगर हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रभु का वो वचन है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अगर हमारे जीवन में ये है, अगर हम लोगों ने इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो हम कभी भी अपनी दौड़ में हार नहीं सकते। और वो दौड़ क्या है, वो दौड़ सिर्फ हमारे खुद के जीवन की नहीं है कि हम खुद के जीवन को लेके ही दौड़ रहे हैं, कि नहीं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छा बनना है। मैं आगे और भी आप लोगों को बताऊंगी इस विषय में कि हम कई बार सिर्फ अपने आप को ही लेकर अकेले दौड़ते हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे ही अपने आप को अच्छा बनाना है, सिर्फ मुझे ही दिखाना है प्रभु यीशु को कि मैं बहुत पवित्र हूँ, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं बहुत अच्छी आराधना करता हूँ, कि मैं बहुत अच्छा प्रभु के वचन को बोलता हूँ, कि मुझसे प्रभु बहुत अच्छी तरह से बात करता है, कि मेरे ऊपर प्रभु बहुत अच्छी तरह से अपनी उपस्थिति को रखता है। कई बार हम इन चीजों को बताने के लिए हम निकल पड़ते हैं। हमें ये करना है, ये हमें जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कुछ नहीं तो हम किसी को कुछ नहीं देख सकते। जब एक टीचर या कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो जरूरी है कि उसके पास भी ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके पास खुद ही ज्ञान नहीं है तो वो क्या उन बच्चों को ज्ञान देगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो उनकी पढ़ाई होती है ABCD, हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वही क्या है, बेस है, वही तैयारी है। अगर वही अच्छा से नहीं हुआ तो आगे चलकर कुछ भी अच्छा से नहीं होगा। तो अगर एक टीचर, एक शिक्षक को खुद ही अच्छा से ABCD नहीं पता तो वो उस बच्चे को क्या सिखाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर भी वो प्रभु की सामर्थ्य होनी चाहिए, हमारे अंदर भी वो गुण होने चाहिए, तभी हम जाकर निकलेंगे और हम इस जगत में बता पाएंगे कि प्रभु का वचन हम बता पाएंगे कि मार्ग मैं हूँ। हालेलुया, कि मार्ग मैं हूँ। हमें बहुत ही जरूरी है ये बताना कि मार्ग मैं हूँ, और प्रभु ने ये हमें समय दिया है कि हम बहुत ही अच्छी तरह से ये बता सके कि मार्ग मैं हूँ और बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। चाहे आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन आपको ये बताना है कि मार्ग मैं हूँ। हालेलुया। और
हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी मंडली इस काम में लगी हुई है कि मार मैं हूँ ये बताने के लिए, और हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाकर रहेंगे, हम ये बताकर रहेंगे कि प्रभु हमारा मार्ग है, प्रभु हमारी सच्ची ज्योति है। हम और आगे देखेंगे, हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे बाइबल में जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिए, और हम उनके जीवन से सीखेंगे कि हमें भी अपने जीवन में किस तरह से सब चीजों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा और बोलना होगा कि प्रभु तू मेरा मार्ग है और मुझे तेरे पीछे चलना है। हालेलुया, आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 9:9-13, और हम यहाँ पाते हैं मत्ती के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मत्ती भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था और वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसका सम्मान था, आदर था, वो किसी जगह में वो उसका कोई पद था, लेकिन हम यहाँ क्या पाते हैं कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर क्या किया, वो प्रभु यीशु के पीछे चल दिया। जैसा कि 9 में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। किसी दिन आपके पास भी प्रभु यीशु आएंगे और आपको बोलेंगे कि मेरे पीछे, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तो हम यहाँ पाते हैं कि मत्ती के पास प्रभु यीशु आए और उसको बोला कि क्या तू मेरे पीछे चलना चाहता है, और वो तुरंत उठा और उसके पीछे हो लिया। तो आगे अगर हम लोगों ने जैसे पढ़ा तो इस बात का बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने मार्ग में धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को चाहता है। इसीलिए मैंने बोला कि हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे हो, पवित्र हो, क्योंकि हमें ही जाना है प्रभु के वचन को लेकर, हमें ही बताना है कि वो हमारा सच्चा मार्ग है, और हमें बताना है पूरे जगत में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम धर्मियों के लिए नहीं। जैसा मैंने बोला कि हम कई बार दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी आराधना करते हैं, प्रभु इन सारी चीज़ों को नहीं देखता। ये तो आप अपने लिए करते हैं, प्रभु के लिए नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है कि हम प्रभु की आराधना करें, और आप प्रभु की आराधना करते हैं क्योंकि आपको आशीष चाहिए, क्योंकि आपको अपना परिवार और अपना जीवन सुखी चाहिए, और आपको इसकी कमाई बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप जब प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, तो प्रभु आपको अपनी आशीष से भरेगा, और जब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष होगी तो हमें और किसी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया। तो इसलिए हम करते हैं ये सारी चीजें, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से नहीं चाहते कि हम खाली रहें। जैसा हम चाहते हैं कि हम ऊपर से हरे भरे रहें, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा भी भरी रहे, और इसलिए हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है यहाँ कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को अपने मार्ग में चुनने आया हूँ। तो आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम और भी प्रार्थना करेंगे। मैं जानती हूँ कि हमारे मंडली में अभी बहुत प्रार्थना हो रहा है, लेकिन हम और भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का वचन जिन जिन लोगों के पास जा रहा है
सचमुच वो प्रभु के मार्ग को पहचान पाए, वो भी बोल पाए कि प्रभु उनकी ज्योति है, प्रभु ही है जो उनका मार्ग है। और हम देखेंगे आगे कुछ मछुआरे जिन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु ने उनसे पूछा क्या तुम मेरे संग चलना चाहते हो, और वो उसी वक्त उनके पीछे हो लिए। और हम उन्हें पाते हैं कि वो बाइबल में हम पाते हैं जो 12 लोग जहाँ भी कहीं यीशु मसीह जाते थे उनके पीछे पीछे वो भी जाते थे। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह वचन को देते थे, चंगाइयों को करते थे, वो भी उनके संग प्रभु की सहायता करते थे। हम और एक देखेंगे एक पापी स्त्री के बारे में, लूका उसका 7:36-50। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के और अपने सिर के बालों से। आमीन। तो हम यहाँ पाते हैं एक पापी स्त्री के बारे में, जो कि जिसने कि पाप किया था और उसे ये महसूस हुआ कि मैंने बहुत ही अपने जीवन में गलत काम किए हैं, और वो यीशु के पास आई और अपने आंसुओं से उसने अपने पैरों को धोया और अपने बालों से उसके पैरों को पोछा और उसके पैरों को क्या किया, चूमा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया, क्षमा किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि वो पापियों के लिए आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं आया है। इसलिए उसने क्या किया, उसे उस समय क्षमा किया। और प्रभु का वचन यहाँ बताता है कि उसने अपने प्यार को दिखाया कि वो कितना उससे प्यार करता है, कैसे, क्षमा के द्वारा। क्योंकि वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम भी अपने जीवन में बहुत गलती करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों को माने। कई बार हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पता है प्रभु का वो वचन कि प्रभु सच्ची ज्योति है, प्रभु ही मार्ग है, और आप सोचते हैं कि आप प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं, जब हम अपने जीवन में बहुत तरह की गलतियां करते हैं, बहुत तरह के बुरे बुरे काम करते हैं, तो हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। हम उस मार्ग से भटक जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अपनी गलतियों की क्षमा अपने प्रभु यीशु से मांगे और फिर से हम उस मार्ग पर चले, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि वो हमसे प्यार करता है और वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह यहाँ प्रभु यीशु ने इस पापी स्त्री को क्षमा किया, अगर हम अपनी गलतियों को माने तो प्रभु हमें भी क्षमा करेगा। और जो हम प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, हम फिर से उसके मार्ग पर चलने के लायक बन पाएंगे। हम और आगे देखेंगे लूका 23:42 में, और हम यहाँ उस डाकू के बारे में पाते हैं जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर था और उसके दोनों तरफ दो डाकू थे। और हम इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि उस क्रूस पर लटकते हुए उसी समय उस डाकू ने अपने पापों का अंगीकार किया और ये माना कि वो प्रभु यीशु है, और कहा कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि
लेना। और हम क्या पाते हैं, प्रभु का वचन आगे बोलता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पर लटकते हुए उसी समय उस डाकू के हर एक पापों को माफ किया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी अद्भुत बात है, क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी अद्भुत बात है कि एकदम अंतिम समय में अगर वो उस समय ये अंगीकार नहीं करता, वो अगर नहीं समझ पाता, तो शायद हम नहीं जानते कि वो कहाँ होता। लेकिन एकदम अंतिम समय में उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना, और वो आज प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कहाँ पाते हैं, स्वर्ग लोक में है। हालेलुया। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है, एकदम लास्ट समय, एकदम अंतिम समय, जब हमें मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने, उसके उस मार्ग को पहचाने जिस मार्ग पर यीशु चला था, हमें भी उस मार्ग पर चलना है। और वो लास्ट समय को भी पहचानना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु एक बार नहीं बल्कि प्रभु बहुत बार हमें क्षमा करता है। हम अपने जीवन में बहुत बार गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु हमें बार बार क्षमा करता है। और हम जितने भी बार गलतियां करते हैं, हम उसके मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु का पवित्र वचन हमारे पास है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप गलती करते रहो और प्रभु आपको क्षमा करते रहे, नहीं, ऐसा मत सोच लेना। अगर हम मसीह हैं, अगर हम बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट लाना है। हमें सिर्फ गलती नहीं करना है कि प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है तो वो हम गलती करते रहेंगे, कोई बात नहीं। प्रभु तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, बहुत दया करता है, और वो अपने दया से हम लोगों को माफ कर देगा, कोई बात नहीं। और हम फिर से प्रभु के उसी मार्ग पर चलते रहेंगे। हमें प्रभु के वचनों को पढ़ना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, और हमारे जितने भी गलती गुनाह है हमें उन्हें कम करना है। हम बहुत सारी गवाहियों को यहाँ आके सुनते हैं कि हम जब प्रभु में आए थे तो हम नशा करते थे, तो हम ये करते थे, तो हम वो करते थे, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया होगा, क्योंकि शायद आपने प्रभु के संग समय बिताना शुरू किया होगा, और प्रभु ने आपसे बात किया और आपके जीवन में काम हुआ। और जब आपने प्रभु के मार्ग को चुना तो आप सीधे प्रभु के उसी मार्ग पर चलते गए, ना आप यहाँ गए ना आप वहाँ गए। हालेलुया। तो प्रभु अगर बोलता है कि प्रभु हमें क्षमा करने वाला प्रभु है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलती करना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें उस सच्चे मार्ग में आगे बढ़ना है। और हमारे जीवन में जितनी भी गलतियां हैं, ये हम बेहतर जानते हैं कि हम क्या करते हैं। हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग नहीं जानते कि हम सारा दिन में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि जब हम पाप करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम मुंह से बोलकर ही पाप करते हैं, हम अपने शरीर के उस हर एक अंग से पाप करते हैं। तो सारे दिन में बहुत बार ऐसा मौका आता है कि हम अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी पाप करें। शैतान हमें हमेशा बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें ये कोशिश करना है, जैसे एक शराबी अपने शराब को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है, छोड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा पीता था तो वो एक बार में नहीं छोड़ता है, वो पहले क्या करता है, धीरे धीरे उसको कम करता है और उसको ख़त्म करता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो भी हम छोटे हो या बड़े हो, हम अपने जीवन में गलतियाँ करते हैं, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि हम
क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता कि हम क्या करते हैं, ना हमारा पति, ना हमारी वाइफ, ना हमारे बच्चे, ना हमारे परिवार के लोग। भले ही हम एक संग बहुत समय बिताते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को जितनी अच्छी तरह से जानते हैं उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, सिर्फ प्रभु यीशु छोड़कर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है इस पापिन स्त्री के द्वारा, कि जिस तरह इस पापिन स्त्री ने अपने आंसुओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धोया और अपने बालों से उसके पाँव को पोछा और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हर एक पाप को क्षमा किया। हमें तो मौका नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह बैठा रहे और हम रोएंगे और धोएंगे और अपने बालों से पोछेंगे, वो समय चला गया। हम इस चीज को छूकर महसूस नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। तो भले ही हम ऐसे प्रभु से क्षमा नहीं मांग सकते, लेकिन हम जैसे भी क्षमा मांगे प्रभु हमें क्षमा करेंगे। लेकिन मैंने फिर से बोलती हूँ मैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करें या आप गलती करें। आपको अपने जीवन में एक काउंटिंग करना है रोज, कि आप उस काउंटिंग को कम कर सकें। अगर आप सारे दिन में 10 पाप करते हैं तो आपको धीरे धीरे बैक काउंटिंग के द्वारा उसे निकालना है और एक दिन 0 में आना है। प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ है, लेकिन हमें हर दिन शून्य से शुरुआत करना चाहिए। तो वो शून्य आना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर हम सारे दिन में 10 बार पाप कर रहे हैं तो आज से आप शुरू कीजिए बैक काउंटिंग करना और जल्द से जल्द अपने जीवन में उस शून्य को लाइए, ताकि आपके जीवन में वो शून्य आए और आप प्रभु के मार्ग पर चल ऊंचाई से, गहराई से और प्रभु की सामर्थ के द्वारा। हम और लास्ट एक वचन देखेंगे, लूका 8:4-8। हम यहाँ क्या पाते हैं कि तीन तरह से बीज को बोया गया। आज हम भी अपने जीवन में बहुत तरह से बीज को बोते हैं। हम देखेंगे आगे कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से क्या किया, रौंदा गया। मार्ग के किनारे गिर गया और लोगों ने उसे चल चल कर उसे क्या कर दिया, पूरा रौंद दिया। उसी तरह कई बार हमारा विश्वास भी शैतान क्या कर देता है, रौंद देता है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हो जाते हैं। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। और कुछ कहां उपजा, चट्टान पर उगा, परंतु उसे तरी न मिलने पर वो क्या हो गया, सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने उसे क्या किया, अपने ही साथ क्या कर दिया, दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन हम यहाँ पाते हैं कि किस तरह से बीज बोया गया, जो जहां कहीं भी बोया गया किसी किसी कारण की वजह से उग नहीं पाया। और जब एक अच्छी भूमि पर बोया गया वो क्या हो गया, बढ़ता गया और फलता गया और 100 गुना फल लाया। उसी तरह हमें भी आज अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में प्रभु के वचन को बोना है, ताकि वो बढ़े और फल लाए और वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। हम कई बार संसार के हम क्या करते हैं, कई बार जैसे हम यहाँ पाते हैं बहुत तरह के बीज और किसी ना किसी कारण के वजह से क्या हो गया, दब गया,
उग नहीं पाया और कुछ ना कुछ हो गया। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में संसारिक बहुत चौड़े चौड़े रास्ते आते हैं और हमें वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि सकरी रास्ते हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसमें कठिनाइयां हैं, उसमें चलने पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम अगर हम बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते पर चले तो हम बहुत ही आराम से चल पाएंगे। तो प्रभु का वचन हमें बोलता है हमें उन चौड़े रास्तों को छोड़ना होगा और उस सकरे रास्ते को ही अपनाना होगा, और वो सकरा रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार हमारे जीवन में वो चौड़ा रास्ता आता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं आती है और कई बार वो सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छी लगती है और उन चीजों को हम अपनाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये चौड़ा है, हम उन दुख तकलीफों को नहीं देखते, हम उन सकरे रास्ते को नहीं देखते जो प्रभु यीशु मसीह की ओर चला जा रहा है। तो कई बार हम ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों को नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोलता कि मैं मार्ग हूँ, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चले, जिनके पास अभी तक प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं गया। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ उनके लिए ये वचन नहीं है, ये वचन हमारे लिए भी है कि मैं मार्ग हूँ, क्योंकि हम भी कई बार उस संसार के चौड़े रास्तों को अपनाते हैं और प्रभु के उस सकरे रास्ते को भूल जाते हैं। हम सुख सुविधाओं को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और दुख तकलीफों को हम सोचते हैं कि ये तकलीफें हमारे परिवार को, हमारे जीवन को बहुत ही तकलीफ देगी। लेकिन उस हर एक तकलीफ का सामना करते हुए हम अपने पिता परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है? हमें आरामदायक नहीं बल्कि हमें कठिनाई के रास्तों पर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए उस कठिनाई के रास्ते पर चले थे। प्रभु यीशु मसीह को कोई महल में बैठा के कोई बहुत सुंदर मुकुट नहीं पहनाया गया था, उसे उन कांटों का मुकुट पहनाया गया था हमारे लिए और आपके लिए। जो पाप उसने किया भी नहीं उसकी सजा उसे दी गई थी, और किस लिए? हमारे लिए और आपके लिए। तो हम यहाँ बैठकर कैसे सोच सकते हैं कि हमें उस संसारिक चौड़े रास्ते पर चलना है? नहीं, हमें भी जिस तरह प्रभु यीशु मसीह उस सकरे रास्ते पर चले, उस दुख को, उस तकलीफ को उसने चुना, उस कठिनाई को चुना अपने लिए नहीं हमारे लिए, उसी तरह हमें भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए उस तकलीफ को चुनना है। हम जानते हैं कि जब हम कहीं निकलते हैं प्रभु के वचन को देने के लिए तो लोग हमारा बहुत ही आदर सम्मान नहीं करते, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उस अपमान को भी बहुत ही आनंद से लेना है और प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करना है, ताकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि वो संसार के लोग बेवकूफ है, वो प्रभु के वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते। हम जानते हैं सच्ची ज्योति हमारे हाथों में है और हमें उन तक पहुंचाना है, और जब हम इन बातों को जानते हैं तो हमें अपने मन में निराश नहीं होना है, क्योंकि आज हम जानते हैं कल वो भी जानेंगे आपके द्वारा। हालेलुया। तो हमें अपने मन में निराश नहीं होना है कि प्रभु हम तेरे वचन को लेकर निकल रहे हैं और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अगर हम कठिनाइयों का सामना करेंगे तभी हम विजय को प्राप्त करेंगे। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक विजय हासिल
नहीं होगी। जब हम देखते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छा मार्क्स लाता है वो एक या दो बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बाकी बच्चे थोड़ी कम मेहनत करते हैं, तभी जाकर उसको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। तो हमें किसी भी तरह की मंजिल को हासिल करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा, तभी हम बोल पाएंगे कि प्रभु हमारा मार्ग है, प्रभु हमारी सच्ची ज्योति है, और वो ज्योति आज हमारे हाथों में है, और प्रभु का दिया हुआ बहुत सुंदर समय भी हमारे हाथों में है। সেই পথে যদি আমরা চলি তাহলে আমরা আমাদের জীবনে অনেক অনেক ফসল দেখতে পাবো। আমেন, হালেলুইয়া। আসুন আমরা ঈশ্বরের ঘরে যা দান দশমাংশ ফেথ প্রমিস যা ঈশ্বরের তা আমরা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হই। কিন্তু তাতে যাওয়ার আগে আমি একটা ছোট কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা একটা মুভমেন্টের মধ্যে রয়েছি, সেটা হচ্ছে আমরা একে অন্যের জন্য কিভাবে প্রার্থনা করতে পারি। দিস ইজ আওয়ার প্রেয়ার লিফলেট, এবং আমরা এখনো পর্যন্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা প্রায় 16,500 লোকের কাছে আমরা এই লিফলেট পৌঁছে দিতে পেরেছি, এবং ঈশ্বর আমাদের সাথে সাথে আছে। এবং যে কোনো মুভমেন্ট সবার প্রথম কোথায় শুরু হয় কেউ বলতে পারবো? কোথায়? কোথায়? বাড়িতে। আমেন। আজকে আপনার সন্তানেরা আজকে জায়গায় জায়গায় যাচ্ছে, কিন্তু অ্যাজ আ ফ্যামিলি ইউ হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি। আজকে পরিবার হিসাবে আপনাদের কর্তব্য আছে। আজকে আমি জানি না আপনি কতখানি ইনভলভ হতে পারছেন, কিন্তু অ্যাজ আ চার্চ ফ্যামিলি, অ্যাজ আ ফ্যামিলি আপনাদের প্রার্থনা করা দরকার। যখন সন্তান, প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে, প্রত্যেকটা ইউথ যখন জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্রভুর নামের সুসমাচার প্রচার করছে, কারণ প্রভু যিশু বলেছে আমি তোমাদের কোথায় পাঠাচ্ছি, কার মধ্যে? আমেন। আমরা জানি না কখন কোন বাধা প্রস্তুত রয়েছে আমাদের জন্য, কিন্তু যদি আপনাদের প্রার্থনা থাকে কোনো বাধা আমাদেরকে অ্যাটাক করতে পারবে না। হ্যালেলুইয়া। ইউ হ্যাভ টু প্রে অ্যাজ আ চার্চ ফ্যামিলি, ইউ হ্যাভ টু প্রে বিকজ আওয়ার চিলড্রেন আর ডুইং গুড। আমেন, হ্যালেলুইয়া। আসুন আমরা ঈশ্বরের এই গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা, তার আরাধনা, তার স্তুতি প্রশংসা করি। यीशु है सच्चा गगनया, उसके हम फेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गगनया, उसके हम फेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चरा। Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hati pahari.
क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कहा कि मैं मार्ग हूं और हमें उसके मार्ग में चलने के लिए अपने आप को शून्य बनाना होगा, अपने आप को जीरो बनाना होगा, ताकि हम बहुत ही नम्रता के द्वारा, जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र था, उसी तरह हमें भी अपने आप को नम्र बनाना है और उस नम्रता के द्वारा प्रभु के उस मार्ग पर सच्चाई से और खराई से हमें चलना है। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, ताकि प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भरें और हमें सहायता करें कि आज हम प्रभु से वादा कर पाए कि हाँ प्रभु, हम तेरे मार्ग पर और भी सच्चाई से और भी गहराई से चले। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया
प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु, अपनी आत्मा से भर प्रभु, कि प्रभु हम यहाँ से प्रभु तेरी उस ज्योति को लेकर जाने पाए प्रभु, और प्रभु तेरे सच्चे मार्ग पर प्रभु हम चलने पाए प्रभु, और प्रभु ज्योति को प्रभु हम बाहर जाके प्रभु पूरे संसार में फैलाने पाए प्रभु, और प्रभु सचमुच प्रभु, क्योंकि तू प्रभु हमारी सच्ची ज्योति है प्रभु, तू प्रभु हमारा सच्चा मार्ग है प्रभु, प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, प्रभु तू दया कर प्रभु। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें प्रभु, और भी प्रभु अच्छी तरह से कर पाए प्रभु,
प्रभु, प्रभु इन बच्चों को, प्रभु तेरे वचन को, प्रभु लोग प्रभु और भी अच्छी तरह से प्रभु ग्रहण कर पाए। प्रभु प्रभु मैं जानती हूँ प्रभु कि तेरा मार्ग प्रभु आसान नहीं है, प्रभु प्रभु बहुत कठिन है प्रभु, पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तेरा अनुग्रह तेरी दया प्रभु इन बच्चों के साथ है। प्रभु प्रभु जब ये प्रभु रोज प्रभु निकलते हैं प्रभु तेरे वचन को लेकर, प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु कि प्रभु ये अकेले नहीं निकलते, प्रभु इनके संग प्रभु तेरे स्वर्ग के दूत होते हैं और प्रभु तेरे नाम प्रभु इस पूरे संसार में फैलाने के लिए सहायता करते हैं, प्रभु प्रभु मदद करते हैं, प्रभु 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 मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु और प्रभु प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हम पूरी मंडली मिलकर प्रभु ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हम इस साल को प्रभु खत्म करने के पहले प्रभु प्रभु हम बहुत लोगों के जीवन में प्रभु तेरे बीज को बो पाएंगे, प्रभु बहुत सारे लोगों को प्रभु तेरा वचन बो पाएंगे, प्रभु प्रभु बहुत सारे लोगों को बता पाएंगे प्रभु की तू महान है, प्रभु तू हमारा जिंदा परमेश्वर है, प्रभु प्रभु तू अद्भुत है, प्रभु तेरी उपस्थिति अद्भुत है। प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करेगा प्रभु, और प्रभु वो लोग प्रभु हमारी मंडली से जुड़ेंगे, प्रभु वो लोग प्रभु तुझसे जुड़ेंगे, प्रभु प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, प्रभु हमारे मंडली के प्रभु सारे बच्चों को प्रभु तू अपने पवित्र लहू से पाक प्रभु, ताकि जब ये प्रभु तेरे वचन को लेकर निकलते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठा सके, प्रभु प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जब प्रभु प्रभु फोन को प्रभु अटेंड करते हैं, प्रभु प्रभु सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रभु वही है प्रभु, वो प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस काम को कर रहे हैं प्रभु, प्रभु तू आज प्रभु इसी वक्त प्रभु अपनी सामर्थ से भर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु, ताकि प्रभु वो अपने आप को प्रभु उस सुनने की जगह में ला पाए प्रभु, और जो जिम्मेदारी प्रभु तूने उन्हें दी है प्रभु, जो काम तूने प्रभु उन्हें दिया है प्रभु, प्रभु वो और भी आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु, और प्रभु तेरे बीज को प्रभु प्रभु अच्छी तरह से प्रभु बो पाए, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, तू दया कर प्रभु, हर एक को प्रभु तू अपनी आशीष से भर प्रभु, तो प्रभु हम प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमें मौका दिया प्रभु इन सारे कामों को करने के लिए, प्रभु वो प्रभु तू अद्भुत है, प्रभु तू महान है, प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी आशीष प्रभु हमारे लिए प्रभु बहुत है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु ये सुबह का समय प्रभु तूने दिया, प्रभु ये सुंदर प्रभु तूने हमारे जीवन में जोड़ा, प्रभु मैं इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ, प्रभु वो प्रभु तूने मुझसे बात किया प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, प्रभु प्रभु मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मेरे पास प्रभु कुछ भी नहीं प्रभु, प्रभु मेरे पास है तो प्रभु बस तेरा वचन है प्रभु, वो प्रभु तेरी सामर्थ है प्रभु, तेरी उपस्थिति है जो प्रभु जो मुझसे प्रभु मेरे द्वारा प्रभु काम करती है, प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु कि मैंने कितना प्रभु सही बोला और कितना गलत प्रभु, पर बस इतना जानती हूँ प्रभु कि प्रभु मेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरा नाम ऊंचा हुआ प्रभु, और प्रभु तेरा नाम महान हुआ प्रभु, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि प्रभु तूने मुझे चुना प्रभु, प्रभु तू और भी मुझे अपने बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु, ताकि मैं प्रभु और भी प्रभु प्रभु अच्छी तरह से तेरे वचनों को बोल पाऊँ प्रभु, प्रभु यहाँ जितने भी बच्चे प्रभु आके प्रभु प्रभु तेरी आराधना को करते हैं प्रभु, उन सबों को भी प्रभु तो अपनी आशीष से भर प्रभु, ताकि और भी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना को कर सके प्रभु, और तेरी उपस्थिति को प्रभु महसूस कर सके प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे पास्टर के लिए, प्रभु प्रभु
प्रभु जहाँ भी हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि तू उनके द्वारा भी प्रभु वहाँ प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा प्रभु। प्रभु तू जानता है प्रभु कि प्रभु हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है प्रभु, प्रभु किन चीज़ों की प्रभु आवश्यकता है प्रभु, और प्रभु तू अनुग्रह करेगा प्रभु, दया करेगा, मैं प्रभु विश्वास करती हूँ प्रभु उनके द्वारा प्रभु, प्रभु वहाँ पे प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आशीष को पाए प्रभु, चंगाई को पाए प्रभु, प्रभु तू सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु। मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु पास्टर सिद्धार्थ के लिए प्रभु, जब वो भी प्रभु संध्या के समय प्रभु तेरे वचन को देंगे प्रभु, तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि उनके द्वारा भी प्रभु तो अद्भुत रीति से प्रभु बात करेगा प्रभु, प्रभु अपने पवित्र लहू से प्रभु उनसे बांध कर ताकि उसके द्वारा प्रभु तेरा अद्भुत वचन निकले प्रभु। प्रभु प्रभु हमारे दान और दसवांश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब प्रभु जितने भी लोगों ने प्रभु दिया है प्रभु, तो हर एक के हाथ को प्रभु, हर एक की परिस्थिति को जानता है प्रभु, और प्रभु तू उसी के अनुसार प्रभु उन्हें प्रभु अपनी दया से अपनी आशीष से भरेगा प्रभु, मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु। और ये दान और दसवांश प्रभु हमारे मंडली में प्रभु जहाँ भी लगाया जाए प्रभु, उस जगह प्रभु तू अपनी आशीष को रख प्रभु। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहाँ पे खड़े जितने भी लोग प्रभु हैं प्रभु, तू सबों को अपनी आशीष से भर प्रभु, और देख प्रभु कि यहाँ से प्रभु कोई भी प्रभु खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, तू दया कर प्रभु और अनुग्रह कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे। हम सब मिलके एक साथ बोलेंगे आमीन।